अच्छा, मतलब पहले आ जाते हैं क्योंकि भीड़ यहाँ इतना ज्यादा होता है, रहने का जगह ही नहीं मिलता है, जिस वजह से आप लोग पहले ही आ जाते हैं। जी सर, मतलब रात भर आप यहीं स्टे करते हैं, मतलब यही एसपीएस में आप लोग यहाँ पर रात भर रुकते हैं। और प्रसाद कब चढ़ाइएगा? कल। दोस्तों, बाबा केवल में श्रद्धालुओं की बात करें तो दूसरे दूसरे राज्य और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर मेला घूमने के लिए। तो ये लोग इतना दूर से क्यों आते हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं और सब कुछ जानकारी आपको देते हैं। कहाँ से आप लोग आते हैं? ये वो शिवहर जिला। शिवहर जिला से आते हैं, कहाँ पर पड़ता है? सीतामढ़ी के बगल में। सीतामढ़ी के बगल में तरियानी। अच्छा, ये सब आप क्या करते हैं? ये खाना बनेगा। अच्छा, खाना बनेगा, मतलब आपको बाबा केवल आते हैं उतना दूर से। जी। और क्या खास है बाबा केवल जो इतना दूर से आप आते हैं? प्रसाद उरसाद चढ़ाते हैं, वहाँ का मन्नत होता है। प्रसाद के नाम पर क्या चढ़ाते हैं? खस्सी। प्रसाद के नाम पर खस्सी चढ़ाते हैं, प्रसादी है। तो अभी तो रात हो गई है, तो आप लोग एक दिन पहले ही मेला आ जाते हैं? जी। तो मतलब रात भर आप यहीं स्टे करते हैं? हाँ, रात। मतलब यही एसपीएस में आप लोग यहाँ पर रात भर रुकते हैं। और प्रसाद कब चढ़ाइएगा? कल सुबह 7-8 बजे, ऐसे तो 12 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेला अति प्रसाद चढ़ाने का जो समय होता है 12 बजे के बाद शुरू होता है, लेकिन आप लोग एक दिन पहले ही आ जाते हैं? पहले ही आ जाते हैं, रहने सहने की व्यवस्था लगाने के न होता है। अच्छा, मतलब पहले आ जाते हैं क्योंकि भीड़ यहाँ इतना ज्यादा होता है कि रहने का जगह ही नहीं मिलता है, जिस वजह से आप लोग पहले ही आ जाते हैं। सर, तो इसमें आप लोग क्या करते हैं? यहीं पर आके प्रसाद का जो होता है यहीं पर खाना बनाते हैं? यहीं पर खाना बनाते हैं, यहीं बनाओ खाओ, यहीं सोप साप दो तो फिर चलो। कितने लोग से आते होंगे यहाँ पर आप? यहाँ बहुत सारे आते हैं, 100-200 तो हमारे इधर का हो। अच्छा, आप अपने गांव से ही 100-200 लोग आ रहे हैं, बाकी का बात करें तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, भर भर की गाड़ी आती है, छोटा गाड़ी से लेकर टेम्पो से लेकर ऑटो से लेकर यहाँ पर पिकअप, उसके बाद बात करें तो बस तक के लोग यहाँ बस से भी आते हैं। करें तो बहुत जगह पर यहाँ पर गाड़ी लगा हुआ है, गाड़ी की संख्या है ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही भक्त आते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। बाबा केवल मेला के बारे में आप जानते थे कि नहीं पहले से, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं बाबा केवल मेला के बारे में, तो यह राजकीय मेला है, तो इसको शेयर करके दूसरे लोगों के पास जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।